हेलो फ्रेंड्स, मो स्वर्णप्रभा आपण मानको स्वागत करुच्छी आपण मानक प्रिय यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम रे। फ्रेंड्स, आज क्लास टी रहिबो ओटेट एंड जेटी पिला मानक पाई। तो आज रे क्लास रे हम इंग्लिश पेडागोजी डिस्कशन करबाय। इंग्लिश पेडागोजी रे क्लास 1 रहिबो, एटा प्रैक्टिस सीरीज रहिची। तो जेटी ओटेट रे जो टॉपिक रहिची बा ओटेट रे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहिची से सब को ए क्लास रे हम डिस्कशन करबा। ता पूर्वर जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एम टेलीग्राम भी जॉइन हो जातु, कहीं आम टेलीग्राम जो सब क्लास गुड़िक पूर्व तार शेड्यूल पाइपे और जेकोसी एग्जाम रिलेटेड बा एंट्रेंस रिलेटेड इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन भी सर्वप्रथमे आम टेलीग्राम ही पाइपे। तो फ्रेंड्स प्लीज जॉइन मी आवर टेलीग्राम। तो चलतु फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करवा। टॉपिक थिला आम कौन इंग्लिश पेडागोजी। तो इंग्लिश पेडागोजी पेडागोजी पूरा पूरी रिविजन सीरीज आम स्टार्ट करवा। ये सीरीज 1 रहा देखा प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही। तो फास्ट एमसीक्यूटी रही द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एम कौन रोज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो आम जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा जाऊ स्कूल रे तार उद्देश्य बा एम कौन रोचे नॉलेज एक्वायर करवा ग्रामर रे बा वर्ड एंड फ्रेजेस रे बा सेंटेंस रे बा लैंग्वेजेस लैंग्वेज स्किल रे या भितर आम राइट ऑप्शन कौन रहा। तो इंडिया रे आम जेहेतु आम स्कूल देखा प्राइमरी स्कूल रे जिते बड़े पिलाटी प्रथम कौन से कैसे जिते बड़े क्लास वन से कौन पढ़े केवल गोटे लांगुएज पढ़े जोटा कि तार मदर लांगुएज बा फास्ट लांगुएज से लर्न करे। देन जिते बड़े क्लास थ्री से स्टार्ट करे सेकेंड लांगुएज कौन ना इंग्लीश। तो इंडिया रे प्रति स्टेट रे हला स्कूल मानक कौन पढ़ा जाए ना सेकेंड लांगुएज भाव आमको इंग्लीश लांगुएज पढ़ा जाए। तो इंग्लीश है आमर कौन सेकेंड लैंग्वेज। तो जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रही तो स्कूल रे कौन गोटे लिटरेचर भाव नुह गोटे लैंग्वेज भाव पढ़ा जाए। तो लैंग्वेज कौन लैंग्वेज इज ए स्किल रेदर देन ए सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज कौन जेहेतु आम स्कूल सेकेंड लैंग्वेज भाव पढ़ा जाए। तो लैंग्वेज है गोटे कौन स्किल लैंग्वेज है गोटे स्किल जोटा को पिला मैंने कौन करेंगे एक्वायर करेंगे आओ नुहे से गोटे गोटे सब्जेक्ट नुह जो स्कूल मानक इंग्लीश को टीच करा जाऊँगी। तो एथिरे आम जो टीचर माने रही कौन करवा दरकार ना पिला माने केमी जो स्किल्स रही से सब को डेवलप करेंगे। ये जो फोर बेसिक स्किल अच्छी एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ये जो चारोटी बेसिक आम जो कौन रही स्किल्स रही से स्किल्स को डेवलप केमी हे पाला भितर ता सहित से केमी एक्वायर करेंगे ये सब स्किल को से सब भितर से सब विषय ध्यान देवा दरकार। तो सो द टीचर मस्ट पे एम्फासीस टू डेवलप दिस स्किल्स इन स्कूल्स। तो स्कूल जेहेतु इंग्लीश है गोटे लांगुएज भाव पढ़ा जाए सेकेंड लांगुएज भाव पढ़ा जाए आ लांगुएज कौन लांगुएज इज रेदर देन नॉट अदर देन स्किल्स लैंग्वेज भितर कौन रही ना ये चार प्रकार स्किल्स रही। तो से आम जो स्कूल रे एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ कौन ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज स्किल्स जेहेतु इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज भाव स्कूल पढ़ा जाए तार चारोटी स्किल्स विषय पिला माने नॉलेज एक्वायर केमती करेंगे एटा हला इंग्लिश लैंग्वेज रो एम रहिबा आवश्यक। जब आम नेक्स्ट क्वेश्चन भी रही देखो द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन अ वेरी इंपोर्टेंट एंड इनवेटेबल सिंस हला। तो इंडिया रे कौन पाई इंग्लिश को ही बहुत गुड़ा डिफरेंट लैंग्वेजेस रही फॉरेन लैंग्वेजेस रही तो कौन पाई फर्स्ट लैंग्वेज पर सेकेंड लैंग्वेज को आम कौन भाव व्यवहार कर इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज भाव व्यवहार करण कारण कौन रही ऑप्शन गुड़िक रही इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन इंडिया लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश देन अच्छी इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश इज ए लिंक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये जो आम चार ऑप्शन को आम बुझा तो प्रथम कथा सी कहे इंडिया गोटे मल्टीलिंगुअल नेशन यहाँ ठीक रही कि आम इंडिया गोटे है कौन मल्टीलिंगुअल नेशन आम इंडिया डिफरेंट भाषार डिफरेंट लांगुएजेस कहूबार लोक मैंने रोचान
तो डिफरेंट बहुत धर्म धर्म व्यक्ति मैंने रोचे तो सहीपाई केवल आम सेकेंड लांगुएज भाव ना कि ना हो पारे कहीं आम से तो डिफरेन्ट लांगुएजेस कथा होती कौन पर केवल इंग्लीश को ही आम सेकेंड लांगुएज भाव निगला तो ये रही ऑप्शन ठीक रही देन इंडियन लांगुएज बुक्स आर मोस्टली रिटन इन इंग्लीश तो ये ऑप्शन टाइप ठीक रही देन आसा इंग्लीश इज ए फॉरेन लैंग्वेज तो केवल इंग्लीश तो फॉरेन लैंग्वेज नुहे छाड़ी तो डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस रही बुझीगला सेमती चाइनीज कथ कह चाइनीज सब अधिक कह जाए सी भी गोटे फॉरेन लैंग्वेज तो कहीं सेकेंड लैंग्वेज भाव आम कौन पर व्यवहार कले चाइनीज को कहीं इंग्लीश व्यवहार करागला तो यहाँ नुहे ये आंसर टाइप ठीक रही तो ऑप्शन डी राइट आंसर तो इंडिया रे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज भाव कहीं व्यवहार करा ना कारण यहाँ गोटे लिंक रखुच्छे तो जेहेतु इंडिया रो जिते आम इंडिया रे भितर रहा है तो इंडिया डिफरेंट स्टेट्स को जीवा तो सेठी समस्त लांगुएज लांगुएज रे डिफरेंसेस देखा जाए तो आम जो गोटे नुआ जगह को जाऊँच मन फीलिंग्स को आम सेयार करने आम कथ कह आम फिलिंगस को प्रकाश करवा क्या मध्यम लांगुएज मध्यम कि आम जो निजर मदर टंग में आम कथा से भाषा सेठिकार लोक बुझीपरि तो से आम कौ लांगुएज को व्यवहार करकेंड लांगुएज इंग्लीश को कहीं ना इंडिया रे बा इंडिया रे बाहर आम देखा कि लोक मैंने अधिकांश लोक मैंने इंग्लीश लांगुएज को ही बुझीपी तो से इंग्लीश गोटे लिंक लांगुएज भाव कम कै आम ओडिया तो आम ओडिया कथा आम जा महाराष्ट्र मराठी लोक मैंने कथा होते तो आम दुज आम जो मुझे महाराष्ट्र मुंबई गली तो सेठिकार लांगुएज मो लांगुएज ठीक भिन्न तो कितु मुझे इंग्लीश लांगुएज से लोक मान सहित कथा भी से बुझीपारे ओडिया लांगुएज बुझी नपारी इंग्लीश को बुझीपारे तो इंग्लीश ये कौन कम कला इंग्लीश गोटे लिंक लांगुएज भाव कम कला तो ऑप्शन डी रहा राइट आंसर बुझीगला जीवा आम नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छे नंबर थ्री स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ तो स्किमिंग कहार सॉफ्ट स्किल तो चारोटी आमर जो स्किल्स रहा लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ये जो चारोटी स्किल रो कहार है सॉफ्ट स्किल स्किमिंगटा तो ये आंसर रहा रीडिंग रो बुझेगा मुझे भल भाव बुझे स्किमिंग कौन कि स्किमिंग कहार सॉफ्ट स्किल रीडिंग रो तो आम गोटे रीडिंग रहा स्किल तार डिफरेंट सब स्किल्स अच्छी तातर स्किमिंग रहा गोटे सब स्किल तो रीडिंग रो चारोटे डिफरेंट सब स्किल्स अच्छे जमती कि स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग आउ रहा एक्सटेंसिव रीडिंग तो रीडिंग करवा पढ़वा पुणी डिफरेंट टाइप ऑफ रही गोटे है स्किमिंग देन आसला स्कैनिंग देन है इंटेंसिव देन है एक्सटेंसिव रीडिंग तो स्किमिंग कौन है तो आम जो रही स्किमिंग जो रहा लैंग्वेज स्किल सब स्किल तो से स्किमिंगटा कौन रही देखा तो देखु ये जो स्किमिंग रही जो आम रीडिंग कर गोटे स्टोरी बुक पढ़िली स्टोरी रे कौन रोचे केवल मुझे तार जिस्ट को देखुची मैंने सरी गोटे प्रोज बुक पढ़िली प्रोज रण जिस्टा रही केवल केवल जिस्टा को लक्ष्य कली जिस्टा को रीड कली बा मेन आईडिया जानापी गोटे पैसेज रोटे स्टोरी रुदी मेन आईडिया जानापी रीड कर प्रकार रीडिंग को कौन कह स्किमिंग कह बुझेगा केवल फोकस अन् मेन आईडिया जिस्ट पर आम कौन कह स्किमिंग कहला जमीक न्यूज पेपर हेडलैन आउ गोटे बढ़िया एग्जाम्पल है न्यूज पेपर हेडलैन जो आम सका न्यूज पेपर पढ़ुंट आम पूरा पूरी पेपर टाक पूरा पूरी पढ़ुं कि ना आम केवल तार जो जिस्ट अच्छी हेडिंगस अच्छी से हेडिंगस गुड़क आम देख देखी जाऊँगा तार जिस्टा को आम मेन आईडिया कौन रही से सबको आम देखुंट से प्रकार रीडिंग को कह स्किमिंग देन आसला स्कैनिंग ये जो चारि प्रकार सॉफ्ट स्किल रो भी क्वेश्चन आसी थाए से मुझे चारि प्रकार सॉफ्ट स्किल गुड़ी को डिस्कशन करुच्छी देन आसला स्कैनिंग स्कैनिंग कौन स्कैनिंग माने पूरा पूरी आम कौन सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक इनफॉर्मेशन है तो आम जब पढ़वा केवल गोटे स्पेसिफिक इनफॉर्मेशन को लक्ष्य करवा फोकस करवा
पूरा पूरी टेस्ट को न पढ़ी आम केवल गोटे स्पेसिफिक इनफर्मेसन को खोजा को आम कौन कहवा स्कानिंग एग्जांपल देखा एग्जांपल जमी कि आमर ओटेट बाहर ओटेट्रे आम रिजल्ट देखा जेको आम एग्जाम स्कानिंग देखो तो गोटे आम रिजल्ट बाहर जेको एग्जाम रिजल्ट गोटे लिस्ट आसी लिस्ट भितर निजर नेम ओन नेम हैला तो डिफरेंट नेम्स थी या भितर आम कौन समस्त नेम समस्त नंबर को देखुं कितने मार्क किए रखी आम खोजुं क्या गोटे स्पेसीफिक जिनस को है सर्च कर स्पेसीफिक जिनस को जमीक निजर नेम को निजर रिजल्ट को तो सीटा कौन कह स्कानिंग कहवा है देन आसला इंटेनसीव थर्ड सब स्किल है इंटेनसीव रीडिंग इंटेनसीव रीडिंग माने कौन आम जो गोटे एग्जाम जो प्रिपेरेसन होती रीडिंग फॉर डिटेल डिटेल रीडिंग को कौन कह पूरा भल भाव पढ़ा से विषय को भल भाव रीड करने को कौन कह इंटेनसीव रीडिंग जेको गोटे एग्जाम हो एंट्रेंस हो से एंट्रेंस तो आम ओटेड अच्छी आगे तो ओटेड पाने कौन पूरा भल भाव पढ़ुं इंग्लीश पेडागोजी रही तो इंग्लीश पेडागोजी को पूरा पूरी कभर कर तो भल भाव पूरा डिटेल्ड पढ़ा को कौन कह इंटेनसीव रीडिंग है जेको एग्जाम प्रिपेरेसन जो पढ़ा जाएगा इंटेनसीव एग्जाम ना इंटेनसीव रे जीवो इंटेनसीव रीडिंग रे देन आसला एक्सटेनसीव रीडिंग कौन ऊपर ऊपर पढ़ी जा एक्सटेनसीव रीडिंग बा गोटे प्लेजर पर एम्यूजमेंट जो रीडिंग करोटे मैगजीन हो मैगजीन स्टोरी बुक्स आम जो रीड कर जो टाइप पढ़ा को कौन कह एक्सटेनसीव रीडिंग है तो आम केवल आम्यूजमेंट निजी खुशी प्लेजर पर आम जो रीडिंग करा एक्सटेनसीव रीडिंग तो आम फोर टाइप्स ऑफ जो सब स्किल्स रहा स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेनसीव रीडिंग एक्सटेनसीव रीडिंग ये चारि प्रकार सब स्किल्स आम भल भाव बुझे आम क्वेश्चन थी स्कीमिंग कहार सब स्किल आ चार कहार सब स्किल रीडिंग रो सब स्किल हैला जीवा आम नेक्स्ट नंबर फोर क्वेश्चन देखा कौन रही तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन टी रही होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय तो गोटे लर्नर लर्नर्स मानक टोटल होलिस्टिक इवैल्यूएशन कहा थ्रो होता है फास्ट रहा यूनिट एंड इवैल्यूएशन यूई टर्म एंड इवैल्यूएशन टीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई मंथ एंड इवैल्यूएशन एमई तेरे आंसर रोक गोटे पिलार समग्र टोटाल समग्र इवैल्यूएशन भाव जो कह तो सेटा कहा थ्रो होता है ऑप्शन नंबर सी सीसीई कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो ये जो सीसीई कौन गोटे प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इट इज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट हैला ए असेसमेंट मैंडेटेड बाय आरटी केबे टू स्टार्ट हिची बा आरटी द्वारा 2009 जो आरटी आसला राइट टू एजुकेशन एक्ट द्वारा एटा आसी हमारे एजुकेशन सिस्टम रे या द्वारा कौन हो इट कवर्स ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स डेवलपमेंट हैला तो पिलामानकर जमती पिलामानकर डेवलपमेंट पाई डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड कौन टीचिंग रहिबो एंड इरे फोकस करूची बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज हैला तो स्कूल एक्टिविटीज भितर जो टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रहूची बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज उपरे ये कौन करूची ध्यान दोची एंड इट एम्फसाइज टू फुल ऑब्जेक्ट जमती कि से दुईटी कथा को से फोकस करूची सीसी प्रथम कथा टे कौन ना कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन बा असेसमेंट हला तो कंटिन्यूटी तले कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हबा पिला मानकर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हबा प्रत्येक दिन तांकर जो पढ़ा जो क्लास रे ता सहित से मानको इवैल्यूएट करा जीवो से क्लास रे केते कोन बुझिले बा जो टीचिंग रहला टीचर टीचिंग रहला केते दूर जे सक्सेस हला सेथिपाई कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हबो आउ असेसमेंट रो आउटकम कोन रहिचे से सब विषय रे लर्निंग रो आउटकम कोन रहिचे से सब रो असेसमेंट हबो हैला दुईटी जिनस ऊपर से फोकस कला प्रथम कथा रहले से कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हबो पिलांकर सेकंड कथा हैला जो लर्नर बा लर्निंग आउटकम्स कोन रहला तारो असेसमेंट हबो
का थ्रो रे कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन थ्रो रे तो हमर होलिस्टिक इवैल्यूएशन का थ्रो रे हे परुची सीसीई थ्रो रे कंटिन्यूअस एंड निरंतरण एंड सामग्रिक इवैल्यूएशन द्वारा बुझेला जी मामे नेक्स्ट रही नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन कौन है देखा दिस इज समराइजिंग नोट मेकिंग रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ व्हिच स्किल जो समरी आम समस्त जानते समरी लिखती है समराइज करवा नोट मेकिंग आउ रिपोर्टिंग रिपोर्ट राइटिंग तो ये सब कौ स्किल सहित आसोसीएटेड तो ये सब क्या सहित आसोसीएटेड राइटिंग सहित कि आम जो समराइज करती से बोथ रीडिंग आउ राइटिंग रीडिंग आउ राइटिंग दुईटे जाक स्किल इनवल्व हुए केमी जो आम समराइज करव आम कौन करती से जिनसटा जो पैसेजा को जहाँ समराइज करने को अच्छे आम कौन करते भल भाव रीड करती देन रईट करती नोट मेकिंग भी सेमती हुए प्रथम आम रीड करती देन रईट करती कारण नोट मेकिंग पूर्व आम जिनसटी को पढ़ती जी गोटे टपिक रखी मुझे टपिक रू नोट मेकिंग करी तो से टपिक को भल भाव पढ़े देन मुझे नोट करी तो प्रथम रीडिंग देन राइटिंग क्योंकि रिपोर्टिंग रे कौन हुए रिपोर्टिंग रे केवल गोटे स्किल लगे थाए राइटिंग तो जेहेतु आम क्वेश्चन ये अच्छी तीन टा जाक सहित रिलेटेड तो तीन टा जाक सहित रिलेटेड राइटिंग सहित ऑप्शन बी रहइबो राइट आंसर जी आम नेक्स्ट अच्छे नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन टी अच्छी व्हेन शुड ए टीचर डिजाइन एक्टिविटीज फॉर ए लेसन केते बेले गोटे टीचर कौन कर एक्टिविटी डिजाइन कर लेसन ऑप्शंस गुड़िक रही आफ्टर सिलेक्टिंग द मेथड आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देन आफ्टर रीडिंग द लेसन्स देन आफ्टर कलेक्टिंग टीएलए तो से कहला केते बेले टीचर कौन कर एक्टिविटीज तैयारी कर एक्टिविटीज डिजाइन कर तार आंसर कौन आफ्टर फॉर्मुलेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो गोटे टीचर आगे ऑब्जेक्टिव को खोजिब ऑब्जेक्टिव खोजी सारापर ताप एक्टिविटीज प्लान कर तो पूर्व भी कौन कर रीडिंग लेसन आगे तार जो लेसन अच्छी कौन पढ़ेबार अच्छी आगे से भल भाव पढ़ला पढ़ी सारापर से भितर किसी ऑब्जेक्टिव्स नेला ऑब्जेक्टिव्स नहीं सारापर ताप सी एक्टिविटीज प्लान कला एक्टिविटीज प्लान कर सारापर ताप से मेथड यूज कर मेथड पर से देख कौन कौन टीएलएम सीए ने कलेक्ट करार अच्छे बुझेगा तो यह सब डिफरेन्ट प्रोसेस वाइज हे प्रथम आगे रीडिंग लेसन को से रीड कर ऑब्जेक्टिव बाचब ऑब्जेक्टिव पर एक्टिविटीज देखे मेथड कौन रही मेथड्स देख दे आसला आफ्टर कलेक्टिंग टीएलए बुझेगा जी आम नेक्स्ट अच्छे नंबर सेवेन नंबर क्वेश्चन रही व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर पिला मानकर जो रीडिंग हैबिट को बढ़ेबा पाइं टीचर कौन करवा आवश्यक ऑप्शन गुड़िक रहा रीडिंग न्यूज़पेपर्स लाइब्रेरी रीडिंग पिक्चर मैप रीडिंग ऑल ऑफ द अबव तो रीडिंग जो आम हैबिट को बढ़ावापाई रीडिंग स्किल पिला भितर डेवलप करने टीचर कौन करने दरकार ना जेकोसी प्रकार रीडिंग हो जेकोसी टाइप रीडिंग हो पिला कहे तो ये जो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हम पिला न्यूज़पेपर डिफरेंट मैगजीन पढ़ा स्टोरी बुक्स लाइब्रेरी रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ापी कहगले पिलामानकर रीडिंग स्किल डेवलप हेला जब आम नेक्स्ट अच्छे नंबर एट अच्छी बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मेन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट तो ये कथाटी किए कही तो गांधी कौन कहले गांधी कहले कि एजुकेशन रो मीनिंग कौन ना पिलार मोरल मेंटल आउ इमोशनल ए तीन प्रकार डेवलपमेंट होगा दरकार क्या थ्रो रे एजुकेशन थ्रो रे तार बॉडी रो तार माइंड रो तार स्पिरिट रो सबुर डेवलप होगा आवश्यक ए कथाटी किए कही आंसर रहइबो एम के गांधी गांधीजी कही कथाटी
देन जवाहरलाल नेहरू एजुकेशन को लेकर कौन कही जवाहरलाल नेहरू कहले कि एजुकेशन इज ओनली थ्रू राइट नेहरू कहले कि ओनली थ्रू राइट एजुकेशन ए बेटर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी बिल्ड अप से कहले कि केवल राइट एजुकेशन द्वारा ही सोसाइटी रो बिल्ड अप हो पार सोसाइटी गोटे बेटर सोसाइटी यापर क्या थ्रो में एजुकेशन थ्रो में सेमती सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन कही एजुकेशन को लेकिन कथा कि एजुकेशन इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज बियॉन्ड एकेडमिक बा प्रोफेशनल से कहले जेकोसी प्लेस जेकोसी जगार जेकोसी समय एजुकेशन आम एक्वायर करपरिया केवल नुहे कि एकेडमी जेको गोटे प्रोफेशनल जो टीचिंग आम एजुकेशन को ग्रहण करपरिया देन टैगोर कथार टैगोर कौन कहले ना द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच डज नॉट मेनली गिव्स अस इनफॉर्मेशन बट मेक्स एन आम जो लाइफ को हारमोनी रहा शिखेब है से कौन कहले कि जो हाइएस्ट एजुकेशन नुहे कि आम बहुत गुड़ा कि जाणीजा आम बहुत गुड़ा कि जाणीजा यहीटा है एजुकेशन नुह आम जदि आम लाइफ को जेकोसी जगार हारमोनी रहा शिखेद से कौन एजुकेशन क्या कहवा अनुसार टैगोर कहवा अनुसार कि आम जो क्वेश्चन थी एजुकेशन है आम बॉडी माइंड आउ स्पिरिट डेवलपमेंट एक कथा किए कही एम के गांधी जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी नंबर नाइन नाइन नंबर क्वेश्चन अच्छी इफ आर एम एस ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट लेवल यहाँ आम जो राष्ट्र जो सेंटर तरफ आर एम एस ए को स्टेट लेवल कौन कर ओ एम एस एम ओडिशा माध्यमिक शिक्षा अभियान ला तो सेमिति सर्वशिक्षा अभियान जो रही सेंट्रल लेवल सेटा आमर ओडिशा रे ऑर्गेनाइज्ड हे कि कोन हे जी तो यार आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी ओपेपा ओपेपा कोन ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ला ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओपेपा है ऑर्गेनाइज्ड हिची कहा बदल रे एसएसए बदल रे ओडिशा रे जेठी जमी सर्वशिक्षा अभियान समस्ते पढ़े सर्वशिक्षा अभियान आम जो सेंटर रही ओडिशा रे जो ओपेपा रही ओपेपा अनुसार जो जेकोसी वर्गर पिला माने कौन करपरिबे तांगर जो टीचिंग से माने करपरिबे पाठ पढ़ पारे है तो ओएसएसएटा ऑर्गेनाइज्ड होइछि ओपेपारे सेमती एससीईआरटी कौन रही तो एससीईआरटी है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जमीक आम एनसीईआरटी रही सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल सेमती स्टेट लेवल रही एससीईआरटी देन डीपीपी रही कौन डीपीपी है द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन सेमती डीपीसी कौन डीपीसी है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी डीपीसी किंतु आम जो क्वेश्चन थी एस एस एटा ऑर्गेनाइज होड़शार कौन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ओपेपा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीवा आम नेक्स्ट नेक्स्ट है नंबर टेन टेन नंबर क्वेश्चन रही द राइट सिक्वेशन सॉरी सिक्वेन्स फॉर लर्निंग द फोर मैक्रो लैंग्वेज सॉरी माइक्रो स्किल्स तो चारोटी माइक्रो स्किल्स रही एल एस आर डब्ल्यू आपति ही मन रखिए एल एस आर डब्ल्यू यहाँ है राइट सिक्वेन्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग है ऑप्शन नंबर सी रहा राइट आंसर लिसनिंग देन आसब स्पीकिंग देन आसब रीडिंग एंड राइटिंग जितेबाला पिलाटी प्रथम से लांगुएज शिखुची तार प्रथम से बेसिक स्किल जोटा लिसनिंग देन आक्वायर कर स्पीकिंग देन रीडिंग देन आसब राइटिंग आम जब छोट बल को पढ़े पढ़ाई जामें कौन टीचिंग आज जाए तुम्हें जाथ प्रथम पिला आगे कौ स्किल डेवलप कराए लिसनिंग देन आसब स्पीकिंग देन रीडिंग देन राइटिंग स्किल डेवलप कराए स्कूल जामें नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी नंबर इलेवेन इलेवेन्थ नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज जो चारोटी बेसिक स्किल रहा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ताभर रिसेप्टिव स्किल कौन कौ दुईटा तो दुईटी स्किल रिसेप्टिव या भितर
आउ दुईटी रहइबो प्रोडक्टिव स्किल्स। क्वेश्चन बारंबार आसे इथिरु तो रिसेप्टिव स्किल माने को स्किल दे पिलाटी रिसीव करूजी हला से रिसेप्टिव स्किल भीतर कोटा रहइबो लिसनिंग आउ रीडिंग सुनिबो आउ पढ़िबो स्पीकिंग कहिबो आउ लेखिबो एटा हला से निजे प्रोडक्ट करूजी टा प्रोडक्टिव स्किल्स। जेहेतु आम रिसेप्टिव स्किल्स अच्छी तार आंसर आसो लिसनिंग एंड रीडिंग ऑप्शन ए रहइबो राइट आंसर। जदि प्रोडक्टिव स्किल्स केबे तबे आसे क्वेश्चन रे तार आंसर कोन हेबो स्पीकिंग एंड राइटिंग बुझेला। तो एबे जिबा आम आज सीरीज रो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन टी रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल। तो कौटा आसेसमेंट रो टूल नुहे तो आसेसमेंट रो चारोटी टूल्स रही कौन कौन रही प्रथम रहा ऑब्जर्वेशन देन आसला रेटिंग स्केल देन आसला चेकलिस्ट देन आसला पोर्टफोलियो। तो ये चारोटी रही आसेसमेंट रो टूल्स तो आम देखा ऑप्शन रे कोटा कोटा रही ऑब्जर्वेशन रही रेटिंग स्केल रही चेकलिस्ट रही तो कोटा नुहे असेसमेंट रो टूल सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन बी रहइबो यार राइट आंसर। से कहला कोटा असेसमेंट रो टूल नुहे का थ्रोरे असेसमेंट करा जाई पारे नाही सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन बी रहइबो राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आम एमती फास्ट जो सीरीज से आम डिस्कसन कले सीडीपी रो इंग्लिश पेडागोजी रो प्रथम सीरीज थी आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन कले ये क्वेश्चन गुटा अलरेडी आसी सारी एग्जाम रे तो से सब को डिस्कसन कली देन आउ कि क्वेश्चन नहीं आसबी। तो फ्रेंड्स आज ये पुणी देखा हे नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू वेरी मच।